जी हाँ दोस्तों, NTA UGC NET दिसंबर 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, और इसी के साथ बताने वाले हैं कि कितने सब्जेक्ट में अवेलेबल है, उसके कोड क्या हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, और इसी तरीके के नोटिफिकेशन के लिए और क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप तक सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन पहुँचें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया है डेट और सभी डिटेल, और अच्छी तरह हाईलाइट करके बता दिया गया है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट करके मैंने बता दिया है कि इसमें क्या क्या हमें ध्यान देना है, और कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, और कब तक हमें इसकी पेमेंट करनी होगी, और कितनी पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है वो इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ की ये है। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन बिगिन हुई है वो 9 सेप्टेम्बर से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 9 अक्टूबर, और फी पेमेंट लास्ट डेट है 9 अक्टूबर, यानी सेम डेट वही उसकी लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट है, मतलब सेम डे आपको पेमेंट भी करनी होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट जो है 2 से 6 दिसंबर तक होगी। जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि नेट का एग्ज़ाम पिछले 2 बार से शिफ्ट में हो रहा है। मीन्स यहाँ पे 4 शिफ्ट बनी होती है, उन शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो 9 नवंबर तक होगा, और रिज़ल्ट जो है आपका डिक्लेयर हो जाएगा 31 दिसंबर 2019 में। यहाँ पे अगर बात करें हम एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 800 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और ओबीसी के लिए बिल्कुल हाफ मींस 400 यहाँ पे रखी गई है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 200 रुपये यहाँ पे रखी गई है। तो फ़ीस जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के द्वारा दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जिस भी सब्जेक्ट का नेट आपको देना है उसी सब्जेक्ट से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एट लीस्ट मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेम सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपको नेट का एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें एज लिमिट की, तो JRF के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है जो कि है 30 ईयर्स। मीन्स अगर आपकी उम्र 30 ईयर्स या उससे कम है तो आप JRF के लिए एलिजिबल हैं। अगर उम्र अगर आपकी एज जो है क्रॉस कर चुकी है 30 को, तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट के लिए नो एज लिमिट, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसको क्रैक कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन बोला गया है कि एज पर रूल दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो अदर कैटेगरीज होती हैं OBC, SC, ST, इनको 5 से 3 साल का, ये वेरी करता है, तो आप इसको चेक कर लेना ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पे अगर बात करें UGC NET दिसंबर 2019 सब्जेक्ट अवेलेबल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने दे दी है, और उसी के साथ सब्जेक्ट कोड दे दिया है। अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आपका सब्जेक्ट कोड 01 होगा, और फिलोसफी होगा तो 03, और कॉमर्स होगा तो 08। तो दोस्तों इसी की तरह आपके सारे सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपसे पूछा जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट हैं बिल्कुल 100 सब्जेक्ट हैं, और इन 100 सब्जेक्ट में से ही आपको अपना सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में नेट देना है, और आप उसी सब्जेक्ट में नेट दे सकते हैं जिसमें आपके मास्टर हो रखी है विद एट लीस्ट 55% मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो 9 सेप्टेम्बर को स्टार्ट होगा। मीन्स आज जिस डेट में ये वीडियो आप जिस डेट में ये वीडियो बनाई है मैंने, इस डेट में एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई है। यहाँ जो अप्लाई करने का लिंक है वो एक्टिवेट होगा 9 तारीख को, मीन्स 9 सितंबर को जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप NTA NET की ऑफिशियल साइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन भी आपका जो है 9 सितंबर को ही आएगा, और जब ही से अप्लाई करने के लिए डेट अप्लाई करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, सिर्फ नोटिफिकेशन मुझे बताना था कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तैयारी में लग जाइए, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का नेट निकले और JRF निकले, और तैयारी करिए बहुत अच्छे से। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू रियली लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉच।
थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।